18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के लिए आज का दिन गौरव का दिन है। विकसित भारत के संकल्प के साथ आज से संसद के सत्र का आगाज हो रहा है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार किसी सरकार पर भरोसा किया है। आज़ादी के बाद दूसरी बार ऐसा होने जा रहा है। इसका मतलब है कि उन्होंने सरकार की नीति और नियत पर मुहर लगाई है। मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत ज़रूरी है, लेकिन देश चलाने के लिए आम सहमति ज़रूरी है। हर किसी की सहमति से देश को आगे लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि तीसरी कार्यकाल में 3 गुना ज़्यादा काम करेंगे। देश को अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है। उम्मीद है विपक्ष इस बार समर्थक चर्चा करेगा और लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखेगा। हम जनता का विश्वास और मजबूत करेंगे। हमारे पास 2 बार सरकार चलाने का अनुभव है। लोग नहीं चाहते कि संसद के नज़र में हम ड्रामा करें। पीएम मोदी ने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में युवाओं की अच्छी संख्या है। हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 ही अध्याय हैं। कर्तव्य का संदेश मिलता है। पुराणों की संख्या भी 18 है। 18 की उम्र में ही हमें मताधिकार मिलता है। 18वें सांसद का गठन शुभ संकेत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिन है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 साल हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी ये कभी नहीं भूलेगी कि संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, भारत को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। हम भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों की संरक्षा का संकल्प करेंगे, जनसामान्य के सपनों को पूरा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करना हमारा सबका दायित्व है। हम मिलकर उस दायित्व को निभाएंगे और जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना इस बात का विश्वास पैदा करता है कि देश को गरीबी से मुक्त कर सके। हमारा सदन संकल्प का सदन बन, हम यही चाहते हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि हम सब देश हित में काम उठाएं। 18वीं लोकसभा में मैं विपक्ष से लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा करता हूं। देश को एक अच्छे विपक्ष की अपेक्षा है। लोग नहीं चाहते कि संसद के नखरे और ड्रामा हों।